संघाई सहयोग संगठन एसटीओ के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को कहा कि एसटीओ के सदस्य देश वैश्विक गिनती में लगभग 30% का योगदान देते हैं और दुनिया की 40% जनता भी एसटीओ देशों में निवास करती है। उन्होंने अपने भाषण में एसटीओ देशों की किस्मत संवारने को लेकर नया आइडिया भी दिया है। उन्होंने कहा कि एसटीओ देश स्टार्टअप और फूड फेस्टिवल के लिए काम करें। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम भारत को एक विनिर्माण हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी। हम जन केंद्रित विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि हम प्रति क्षेत्र में नवाचार का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। एसटीओ की शुरुआत जून 2001 में संघाई में हुई थी और इसके 8 पूर्ण सदस्य हैं, जिनमें 6 संस्थापक सदस्य चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।